नमस्कार, मैं हूँ पूनम और ऑन माय डिश पर आपका स्वागत है। आज मैं एक यूनिक, टेस्टी और साथ ही में हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पराठा। पर आप कहेंगे इसमें नया क्या है, हम तो घर पर हमेशा ही यह पराठे बनाते हैं। बिल्कुल सही, पर मैं पराठे आज अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। जो भी नए हैं किचन में तथा परदेश में पढ़ रहे बच्चे तो आसानी से यह घर पर बना सकेंगे। यह पराठे बनाने के लिए मैंने आटा गूंथा नहीं है। आज मैं लिक्विड डो बनाकर यह पालक पराठे बनाने की विधि दिखाऊंगी। बनाना इतना इजी है कि परदेश में पढ़ रहे बच्चे जिन्हें पराठे बनाने नहीं आते वो भी आसानी से बनाकर इन पराठों का लुत्फ़ उठाएंगे। तो शुरू करते हैं पालक पराठा बनाने की विधि को। तो सबसे पहले पालक के प्यूरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन में डालेंगे 2 कप पानी। पानी को उबल आने देते हैं। अब मैं पानी में मिला लूंगी पालक के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने 20 से 25 पालक के पत्ते लिए हैं जिसे मैं पानी में ऐड कर दूंगी। हमें पालक को तब तक कुक करना है जब तक कि वह सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए पालक की डंडियां सॉफ्ट हुई है। निकाल लेते हैं। तो इस बोल में मैंने पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाले हैं, तो इस पानी में पालक को निकाल लेंगे। ऐसा करने की वजह यह है कि जब हम पालक के प्यूरे बनाएंगे तो ग्राइंडर जार की हीट की वजह से पालक काला नहीं पड़ेगा और उसका ब्राइट ग्रीन कलर बना रहेगा। 1 मिनट के लिए मैं इसी ठंडे पानी में पालक को रहने दूंगी ताकि उसकी कुकिंग प्रोसेस भी थम जाए। तो पानी निचोड़ कर मैं इसकी प्यूरे बना लूंगी। और जिस पानी में हमने पालक को उबाला था वो पानी हम फेंकेंगे नहीं, आगे जाके हम वही पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए लिक्विड डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में डाला है 1 कप गेहूं का आटा। उसी आटे में मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा भी मिला लिया था। आप चाहें तो मैदा स्किप कर सकते हैं और गेहूं का आटा आप जो घर पर यूज़ करते हैं वो डालें। मैंने यहाँ पे खपली व्हीट का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। अब मैं मिला लूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन, पालक की प्यूरे जो हमने पहले बनाई थी, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच। हथेली में रगड़ के अजवाइन को डालेंगे ताकि अजवाइन का फ्लेवर निखर के आए। अनपॉलिश तिल लिए है मैंने 1 छोटे चम्मच। नमक स्वादानुसार डालें। जिस पानी में हमने पालक को उबाला था वो लिया है मैंने, लगभग ये 1.5 कप है। धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएं। अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लम्स ना रहे। अब 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। घी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। आप चाहे तो बटर या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब साइड में रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो आइए पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने के लिए नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल किया है। यह पराठे आप नॉनस्टिक तवे पर ही बनाएं। अगर आपके पास इस टाइप का तवा नहीं है तो आप नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच लिक्विड डो डाल देंगे। हल्के हाथों से फैलाएं, ज़्यादा पतला ना फैलाएं। यह पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। अब मैं ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। लीड हटाकर देखते हैं। ये देखिए ऊपर की बाजू ड्राई हुई है, यानी पराठा फ्लिप करने के लिए रेडी है। तो फ्लिप कर लेते हैं। अब दूसरे साइड से भी पराठे को अच्छे से सेक लेंगे।
अगेन फ्लिप करते हैं। अब मैं ऑयल डाल दूंगी। हल्के से प्रेस करते हुए पराठे को सेक लेंगे। देखिए पराठा फूलना शुरू हुआ है, यानी पराठा रेडी है परोसने के लिए। तो ऐसे ही बाकी के पराठे बना लें। यह पूरे डो के मैंने 7 पराठे बनाए थे जो मीडियम साइज़ के हैं। है ना एकदम आसान और झटपट रेसिपी। तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह पराठे आप दही चटनी के साथ भी परोस सकते हैं। मैंने यह पराठा प्याज और टमाटर की चटनी के साथ परोसा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो मिलते हैं फिर से ऐसी एक टेस्टी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।